अलवर सांसद बालकनाथ ने भाजपा जिला कार्यकारिणी भिवाड़ी की बैठक में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के विषय पर विस्तार से जानकारी दी। सांसद ने कहा, योजना के क्रियान्वयन के लिए पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाए। 10,000 करोड़ रुपए जल जीवन योजना के माध्यम से दिए और अपने अलवर को राजस्थान में सबसे अधिक 600 करोड़ रुपए इस योजना के माध्यम से मिले हैं। अब तक 815 से अधिक गांवों को इस जल जीवन योजना के माध्यम से उनके प्रस्ताव पास हो चुके हैं। लेकिन हम सब इस योजना को अपने लोगों के बीच में, इस योजना को किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से इस योजना को हम सबको पूरा करना है, उसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ हमारी कमी है। आज हमारे विरोधी विधायक जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, से निर्दलीय आते हैं, वो इस प्रकार से ढिंढोरा पीटते हैं कि ये जल जीवन योजना हमारी योजना है, ये कांग्रेस सरकार की योजना है। लेकिन पूरा देश भलीभांति जानता है 2019 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र में ये जल जीवन योजना का बारे में देश को अवगत कराया था, देश के सामने इस योजना को रखा था और उसी को सार्थक आज वो निरंतर जिस प्रकार से फटाफट हमारे इलाके में या पूरे राजस्थान में या देश में कहीं भी उस योजना के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता उसको जनता के बीच में नहीं पहुंचाता कि योजना कौन लेके आया था, किसने इस योजना का निर्माण किया था, कौन इस योजना के लिए पैसा दे रहा है। ये हमारी कहीं ना कहीं कमी है। मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस योजना को हमें हर घर तक तो पीने का पानी पहुँचाना ही है, लेकिन इस मैसेज को भी, संदेश को भी साथ साथ में पहुंचाना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के सामने एक विषय रखा था, उस विषय को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये हम सब का दायित्व तो बनता है। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, हमने एक जल जीवन मिशन का एक पत्र तैयार किया है। आप सब जानते हैं कि अपने जिले के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, मैंने पीछे डाटा निकाला था तो अपने जिले के अंदर पिछले 6 वर्षों के अंदर लगभग 500 करोड़ से अधिक पैसा केवल और केवल ट्यूबवेल बोरिंग के ऊपर खर्च हुआ है। और आप सब देखते होंगे कि जो पीएचडी के द्वारा या जो हमारे गांव के अंदर जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो बोरिंग लगाए जाते हैं वो 2 साल में 2.5 साल में खराब हो जाते हैं। लेकिन किसी ने ये सोचा कि वो खराब क्यों होते हैं। एक जमींदार है, हम भी सब जमींदार वर्ग से आते हैं, मैंने भी खूब बोरिंग लगाए हैं और मुझे भी पता है किस प्रकार से बोरिंग करने का एक मैकेनिज्म है, कोई सिस्टम है कि कैसे बोरिंग किया जाता है। हमारे खेतों के बोरिंग हैं आज 10-10 साल हो गए, वो निरंतर चल रहे हैं, उनमें पानी नहीं सूखा, उनकी पाइप खराब नहीं हुई। लेकिन जो सरकारी बोरिंग है वो 2.5 से 2 साल नहीं पकड़ता, वो खत्म हो जाता है। बहुत बड़ी अनियमितताएं इस बोरिंग करने में बरती जाती हैं। ये पूरा ठेकेदारों का पूरा नेटवर्क है, इस बोरिंग को करते ही वो इस हिसाब से कि वो 2-2.5 साल चले और उसके बाद में फ्लॉप हो जाए, फिर दोबारा से बोरिंग होगा कि फिर दोबारा से पैसा मिलेगा, फिर दोबारा से अपना कारोबार चलेगा। मैंने एक पत्र तैयार किया है, मैं सभी पूरे जिले की 8 विधानसभाएं, उसके साथ में हमारी थानागाजी भी है उसमें जुड़ी, मतलब पूरी 11 विधानसभाओं में मैं पत्र लिख रहा हूँ सभी सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी वितरण करूंगा कि जो जल जीवन मिशन के माध्यम से जो कार्य होने वाले हैं गांव के अंदर, उसमें हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो पैसा हमारा है, हमारी कमाई का पैसा सरकार के पास जाता है और सरकार उस पैसे को जन कल्याण के माध्यम से जनता के बीच में लगाती है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है उस पैसे को हम भली भांति ठीक तरीके से उस पैसे का उपयोग करें ताकि जनता को उसका लाभ मिले, दोबारा से उसमें बोरिंग 2 साल बाद में 3 साल बाद में बोरिंग करने की आवश्यकता ना पड़े, दोबारा 2-2.5 साल के बाद में उस पाइप को बदलने की आवश्यकता ना पड़े। अगर काम अच्छा होगा, काम मजबूती से होगा, उस काम में 10 से 15 साल तक हमें पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो वो पैसा हमारे कोई और विकास में काम आएगा। इसलिए हमें बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है, इसमें जो बोरिंग हो उसमें बराबर रूप से हम जनता के लोग, हमारे कार्यकर्ता का धर्म है कि जब हमारे गांव के अंदर कोई विकास कार्य होता है तो एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि हमारी पार्टी सेवा ही संगठन पार्टी है,